देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्धप्रतिश पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। चलो रमा। मैं तुम दोनों का इंतजार करूंगी। तुम दोनों जो भी हल ढूंढने जा रहे हो उसमें तुम्हें सफलता मिले। मालिक, बहुत जरूरी खबर देनी थी आप लोगों को। भीम फिर से कोई नया खेल खेलने वाला है। हितेश, बातों को गोल गोल घुमा मत। साफ बोल, स्पष्ट बोल, क्या कहना चाहता है? मालिक, भीम रमा दोनों अभी अभी चाल से निकले हैं और कहकर गए हैं कि परसों कोर्ट की सुनवाई से पहले कोई न कोई हल ढूंढ करके ही लाएंगे। लेकिन इस समय कौन सा हल मिल जाएगा और कहां से? क्षमा कीजिए मालिक, लेकिन भीम रमा दोनों मिलकर के ढूंढने गए हैं इसलिए डर लग रहा है। बात तो तूने सही कही हितेश, उन मूर्खों का कोई भरोसा नहीं है। वो भीम रमा कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं, इस पर नजर रखनी होगी। वैसे वो पति पत्नी किस तरफ गए हैं? दाई तरफ। समझा जी मालिक, प्रणाम। प्रचंड देव जी, हमें कैसे भी करके, कुछ भी करके भीमराव और रमाबाई को ढूंढना होगा। एक काम करो, विनय और उसके दोस्तों को भी बुलवा लो, सब मिलकर उसे ढूंढते हैं। ये भीमराव हमसे बचकर जाएगा कहां? रमा, हमें सबसे पहले सर के पास चलना होगा और ये सब नरोत्तम जोशी और प्रचंड देव से छुपा कर करना होगा। उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं लगना चाहिए हम क्या करने जा रहे हैं, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। हाँ, ये तो सही कह रहे हो आप, वरना जोशी जी फिर से कोई नाटक करेंगे और हमारे रास्ते में बाधा बन जाएंगे। हाँ। भीमराव, भागो रमा, अरे पकड़ो उसे। इसके पीछे छुपते हैं। आओ, छुप जा। कहाँ मर गए ये लोग? कहीं दिखे वो? नहीं, आगे आगे देख। रुको रुको रुको, हमें लगता है कि भीमराव इस बार कुछ बड़ा करने की सोच रहा है। प्रचंड देव जी, खाक बड़ा करेगा वो भीमराव? हा? जोशी जी, प्रचंड देव जी सही तो कह रहे हैं, आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि भीम रमा आपसे कभी छिपते भागते नहीं थे, पर आज क्यों भाग के छिप रहे हैं?
इस बार वो भीमराव कुछ भी करे कुछ कर नहीं पाएगा। बस परसों सुबह तक का समय है उस भीमराव के पास। परसों सुबह होते ही चौल का एक एक व्यक्ति बनेगा गिरमिटिया मजदूर। परसों सुबह होते ही उन सबको कोई जाने से रोक नहीं पाएगा और ना ही रोक पाएगा मुझे जीतने से। एक काम करो, सब मिलकर उसे फिर से ढूंढते हैं और उस भीमराव को पकड़कर ये पता लगाते हैं कि इस बार वो क्या करने की सोच रहा है। चलो। नहीं नरोत्तम जोशी, इस बार मैं आपको जीतने नहीं दूंगा और चाल वालों को गिरमिटिया मजदूर बनने भी नहीं दूंगा। कुछ ना कुछ करके उन सबको गिरमिटिया मजदूर बनने से रोक लूंगा। लेकिन हमें से छुप क्यों रहे? हमने उनका सामना क्यों नहीं किया? क्योंकि रमा, हर बार सामना करना जरूरी नहीं होता, कभी कभी सामना करने से बचना भी चाहिए। अभी हमारा लक्ष्य उन लोगों से सामना करना नहीं था, अभी हमारा लक्ष्य यह है कि कैसे हम चाल वालों को गिरमिटिया मजदूर बनने से रोकें। चलो जल्दी, समय कम है, जल्द से जल्द सर के पास पहुंचना होगा। चलो सर, क्षमा कीजिए, मैं अभी इस वक्त आपके पास आया हूं, मगर कारण ही कुछ ऐसा है कि मैं कल सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकता था। इसमें क्षमा मांगने वाली कोई बात ही नहीं भीमराव, बताओ क्या बात है? दरअसल गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने गिरमिटिया मजदूरों के लिए जो प्रस्ताव बनाया है, उस प्रस्ताव से संबंधित कुछ बातों की जानकारी आपसे चाहिए। पर तुम्हें यह जानकारी क्यों चाहिए और कैसे मिल सकती है जानकारी? बताता हूँ सर। गोखले जी के सहायक के पास चलते हैं। चले चलो, बस यही मदद चाहिए आपसे। अगर आप हमारा ये काम कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, और इसके अलावा कुछ और तरीका भी नहीं है हमारे पास। मैं हमारे चाल के लोगों की मदद करना चाहता हूँ, उन्हें ऐसे मुसीबत में फंसते हुए, उनका नुकसान होते हुए मैं नहीं देख सकता। भीमराव अंबेडकर, गोखले साहब ने तुम्हारे बारे में जिक्र किया था, मगर अब तुम्हें देखकर और तुमसे मिलकर मुझे यकीन हो गया है कि गोखले साहब ने जो भी तुम्हारे बारे में कहा था वो एकदम सही कहा था। तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। मुझे पूरा यकीन है कि यहां हमें कुछ ना कुछ मदद जरूर मिल जाएगी। मुझे भी ऐसा ही लगता है, और जब आपने ठान लिया है तो चिंता किस बात की, सब ठीक हो जाएगा। जीजा भाई, अगर पहले से पता होता ना कि इस घर में इतना नाटक चलता है तो मैं तेरी शादी इस घर में करवाती ही नहीं। सोचा था परिवार अच्छा है, लोग अच्छे हैं, दामाद जी भी अच्छे हैं, पर यहाँ देखो तो सब उल्टा ही है। वैसे भाभी, परिवार और परिवार वाले इतने भी बुरे नहीं हैं, बस इस निकम्मे भीम की वजह से सब बुरे बन गए। पता है, अगर ये भीम नहीं होता ना तो मेरी किस्मत कुछ और होती। और भीम की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पता है आपको? अपना परिवार, अपने बाप को छोड़कर दुनिया जहान की पड़ी रहती है, उनके लिए मरता रहता है। बाहर जाकर सबसे दुश्मनी मोल लेगा और वो सारे लोग फिर चाल में आ जाते हैं, इसकी वजह से पूरा परिवार धोखे में आ जाता है। इसकी वजह से तो कितनी बार भूखे रहते हैं सब, पता है आपको? अरे खा भी नहीं सकते। पता नहीं कब एहसास होगा इसे कि मेरी वजह से मेरा परिवार कितनी तकलीफें उठाता है, कितना परेशान रहता है।
पता नहीं एहसास होगा या नहीं, पर जिस दिन एहसास होगा तो सुधर जाएगा। नहीं भाभी, भीम सुधर नहीं जाएगा बल्कि जीजाबाई की तरह हो जाएगा। तो सिर्फ अपना स्वार्थ, अपने वर्तमान को किसी तरह काट लेने के बारे में सोचती है। लेकिन जीजाबाई, भीम मेरा बेटा है, वो स्वार्थी नहीं है, वो सबके बारे में सोचता है, सबकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझता है, सबकी मदद करना चाहता है। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक उसे मैं एहसास नहीं होने दूंगा। तुम दोनों चिंता मत करो, और हां जीजा भाई, तरह खुद को देखो, अपने जमीर से पूछो कि क्या तुम सही हो। चल रमा, भीम पता नहीं कैसे और क्या कर रहे होंगे, और यहां तुम दोनों को शिकायत करने से फुर्सत नहीं। और क्यों क्यों इतनी नफरत पाल रखी है भीम के लिए? अरे इतना भी मत करो कि शरीर में अनाज फायदा करना बंद करने और भीम से नफरत तुम दोनों का नुकसान करने लगे। खाइए खाइए, दिल में बिना कोई मैल रखे खाइए। और आप दोनों से विनती है, हो सके तो सुधर जाइए। ये लो भीम, इसमें कुछ लोगों के नाम है और उनके पते भी। तुम जाओ और इनसे मिलो, और अगर इन लोगों से कोई भी मदद हो सके तो हमें बेहद खुशी होगी और संतुष्टि भी। आपने इतना किया हमारे लिए, यही काफी है। आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। धन्यवाद, और गोखले साहब को भी हमारी तरफ से धन्यवाद कह दीजिएगा। चलते हैं। मिला क्या? अरे आप लोग यहाँ? मिला भीमराव? मिला नहीं, समझ में नहीं आ रहा कहाँ चला गया मूड, क्या क्या कर रहा होगा, क्या क्या। हाँ जोशी जी, हाँ पता चला उस भीमराव का? बोलो बोलो। हाँ कहीं पता नहीं चला जोशी जी, और तो और नींद भी पूरी नहीं हुई, ऊपर से उस भीमराव को ढूंढने के लिए आपने सुबह सुबह बुला लिया। अभी सिर्फ नींद तोड़ी है। अगर वो भीमराव मुझे नहीं मिला तो हड्डियां तोड़ दूंगा तुम सबकी। क्या मेरी मेरी खुद की नींद उड़ी हुई है, हैं? और तुम्हें अपनी अपनी नींद की पड़ी है? पता नहीं क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और नरोत्तम शांत हो जाओ, शांति से ये सोचो कि अब आगे करना क्या है। हमें भी इस बात की चिंता है कि वो भीमराव हमारे ढूंढने से नहीं मिल रहा। ये भीमराव जब भी गायब होता है ना, तो कुछ ना कुछ बड़ा करता ही है। एक बार वो गायब हुआ था तो गवर्नर से मिला, उसके बाद गायब हुआ तो मेहता साहब से मिला, और अब तो वो गोखले साहब तक पहुंच गया है। अब पता नहीं कि अब वो कहां गया है और किससे मिलकर क्या करेगा। प्रचंड देव जी, वैसे हम आपके घर गए थे, वहां पता चला कि आप दोनों यहां हैं, इसलिए आपको आमंत्रित करने आए हैं हम।
अच्छा हुआ आप सब भी यही मिल गए। आप सबको भी हम आमंत्रित करते हैं कि आप भी जरूर आइएगा। विनय जी आपको तो आना ही होगा। ए भीमराव ए, किस बात का आमंत्रण है? दरअसल आज हमारी चाल में एक नाटक का आयोजन किया गया है और मैं चाहता हूं कि आप सब आकर नाटक देखें। भीमराव इस नाटक के पीछे भी जरूर तेरी कोई नौटंकी ही होगी। सही है सही है सही है। क्या भीमराव राम जी ने सलाह दी? नहीं मतलब अनुभव है, सर्कस में नौटंकी करके आया है ना। अब तुम चौल में नौटंकी करने वाले। अच्छा है। वैसे एक बात बता, क्या क्या करेगा तू? पढ़ने का ढोंग करेगा, क्रिकेट खेलेगा, नौटंकी करेगा, अपने अपने जात वालों के लिए लड़ेगा, लोगों के भविष्य की जिम्मेदारी लेगा, क्या क्या? एक अच्छी और सही सलाह दूं तुझे, ज्यादा बोझ मत ले अपने कंधे पर, क्या पता बोझ तले सारी खुशियां दम तोड़ दें। जोशी जी आप उसकी चिंता मत कीजिए, मेरे पति को बस पढ़ना ही पसंद है, इनकी पढ़ने में ही रुचि है, मगर क्या करें, आप जैसे लोग होते हैं जो रोज कुछ ना कुछ करते हैं तो उनको भी ये सब करना पड़ता है। खैर आप ये सब छोड़िए, आप नाटक देखने जरूर आइएगा, आपको बहुत मजा आएगा। वैसे नाटक है किस विषय में? जरूर आइएगा नाटक देखने, आप सब आमंत्रित है। पास के चाल में एक नाटक है। अरे हम तो सोचे थे कि भीमराव इस बार गया है तो लंदन के महारानी से मिल के आएगा, मगर तो अलग ही नौटंकी शुरू कर दिया है। अरे तो बढ़िया है ना है? और हम आज ही के दिन तो यहाँ हैं, तो आज का दिन ही नौटंकी देखे माँ और रात यहाँ से जाके खुशी में बीत जाएगी। आई 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 आज बहुत सारे लोग नाटक देखने आ रहे हैं। आइए आइए बैठिए बैठिए आइए आइए। क्या नौटंकी करने वाला है भीमराव? देखते हैं उसकी नौटंकी। प्रणाम मालिक। लेकिन ये नाटक है किस बात का? मैं बताता हूं बाला भैया। आप सभी का हमारे इस चाल में मैं स्वागत करता हूं और मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब नाटक देखने के लिए आज यहां आए। तो जिस चीज का आप इंतजार कर रहे हैं वो चीज यानी कि नाटक जल्द ही शुरू होगा, लेकिन उसके लिए उस नाटक के कलाकारों को हमें आमंत्रित करना होगा। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं इन कलाकारों का। प्रचंड देव जी, ये
ये लोग हमारी तरह बनकर क्यों आए हैं? नरोत्तम, ये भी इस भीमराव की कोई चाल ही होगी, देखते हैं। अब मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि आप कृपया अपनी जगह पर बैठ जाइए और मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप नाटक शुरू कीजिए। बाबा, इन सबको रोकने का इससे बेहतर तरीका नहीं था हमारे पास। देखते हैं क्या होता है।